अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। 130 करोड़ लोग एक साथ जुड़ गए, भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाया। ये मिशन राष्ट्रीय मिशन है, ये देश को आगे ले जाने का मिशन है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने मंच से तमाम पार्टियों को आमंत्रित किया है कि मेक इंडिया नंबर वन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज तालकटोरा स्टेडियम के अंदर जो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मिशन को जो था वो लॉन्च किया है, जिसमें भारत को नंबर वन बनाने के लिए कई सारी बातें की गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है शिक्षा को लेकर, उसके बाद है स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और किसानों को लेकर, इसके अलावा और कई बातें हैं जिसको उन्होंने मंच से कहा है। जय हिंद। उनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि आज से पहले निर्भया केस के टाइम में जो हुआ, बसों के अंदर जो हो रहा था, और जिस ढंग से उन्होंने बसों के अंदर जो मार्शल लगाए, पैनिक बटन लगाए, कैमरे लगाए, और हम खुद महिलाएं, मैं एक सोशल वर्कर भी, मैं बसों के अंदर देखती हूं कि महिलाओं को जो सेफ्टी अब मिली है, रात को 10 बजे भी महिलाएँ जाती हैं तो अब महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जो चोरियाँ होती थी, जो बदतमीजियाँ होती थी, वो भी कम हुई हैं। इवन कि लड़के भी जो वहाँ पर चढ़ते हैं वो कहते हैं जी हमारा यहाँ पर टिकट तो हमने प्राइवेट भी लेना है, यहाँ भी लेना है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद, बसों की तो बात चलो हो गई, इसके बावजूद बाहर जो गलियों सड़कों के अंदर जो कैमरे लगे, उसका भी महिलाओं को फायदा हुआ, बुजुर्गों बच्चों को फायदा हुआ है। देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर एक अलग से भावना फैलाई जा रही है, आपस में लड़ाया जा रहा है, उसको तोड़ते हुए, उस मजे को तोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कहा, सब जब तक एक एक भारतवासी, 130 करोड़ भारतवासी एक परिवार की तरह काम नहीं करेंगे, जब तक हम नंबर वन नहीं हो सकते, तो हमें सबसे पहले संसार का नंबर वन कंट्री भारत को बनाना है। और उसके लिए हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को स्वास्थ्य का फ्री इलाज मिलना चाहिए। उन्होंने 5 चीज़ें गिनाई हैं, शिक्षा, हेल्थ सर्विसेज और किसान, बहुत सारे ऐसे जो महिलाओं की, महिलाओं को सम्मान, ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको हमें आगे लेके आना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि ये जो मिशन है ये किसी पार्टी का नहीं है, वो कह रहे हैं इसमें बीजेपी कांग्रेस वाले भी साथ आए, इस मिशन को देश भर में लेके जाना चाहते हैं, 130 करोड़ लोगों का परिवार बनाकर उनको साथ रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जाति धर्म समुदाय सबसे ऊपर उठकर हमें इस देश को नंबर वन बनाना है, सब परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और देश की जनता से ये आह्वान किया है कि वो भारत को नंबर वन बनाए। आज तालकटोरा स्टेडियम के अंदर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेक इंडिया नंबर वन जो था प्रोग्राम का आयोजन किया गया, खुद अरविंद केजरीवाल इसमें मौजूद रहे और उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी की आलोचना किए बगैर सबको साथ आने, सबको साथ चलने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, इंडिया को नंबर वन बनाएंगे। और उसके लिए कुछ चीज़ें भी उन्होंने बोली, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा जैसी कई बड़ी बातें थी जिन्होंने, उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के बारे में बात करना एक आसान बात है, लेकिन उस पर अमल करना एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे भारत जैसे देश के अंदर। आपको बता दें कि जिस तरीके से आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं, मंच पे जो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल के जो भाषण था, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और देश की जनता को संबोधित किया, उसमें ये कहा गया कि भारत को नंबर वन बनाना है, इसी यही इसका प्रोग्राम का नाम भी रखा गया था, मेक इंडिया नंबर वन, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई चैलेंज नहीं है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल, माफ़ कीजिएगा, जो पार्टी है वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी पार्टी, सभी दल साथ आए और भारत को नंबर वन बनाए। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।